नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने बहुत खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। एक ऐसा खास कार्यक्रम जहां पर आप अपने रोगों अपनी बीमारियों के साथ साथ अपनी आर्थिक और मानसिक परेशानियों का भी समाधान प्राप्त करें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वैदिक उपचार को लेकर। आप जानते हैं वैदिक उपचार को तैयार किया है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी ने और जिनके मार्गदर्शन में आप मतलब भरपूर लाभ उठा रहे हैं वैदिक उपचार का। तो आइए, बहुत सारी जानकारी आज भी आप लोगों को मिलेगी, साथ ही साथ हम आपको काफ़ी लोगों से मिलवाएंगे भी जिन्होंने वैदिक उपचार का इस्तेमाल किया। इस कार्यक्रम को ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ खास है आज के लिए इस एपिसोड में। हमारे साथ मौजूद हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी। नमस्कार बंसल, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो बंसल जी, आपने जो तैयार की है वैदिक उपचार, मतलब हल्ला है पूरे विश्व में इसका और इस वक्त अनगिनत लोग इसको रोज ऑर्डर कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन लोगों से ही मिल लेते हैं जो कि वैदिक उपचार का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये देख लेते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं बंसल जी के बारे में और वैदिक उपचार के बारे में। देखिए जरा। अगर आप भी हमारे शिविरों में आके हम हर एक चीज का
पूरा बताते हैं उसमें क्या योग करना है, क्या प्राकृतिक चिकित्सा करनी है, और जो हमारे आगामी शिविर अब लगते जा रहे हैं उनकी आप डिटेल जो हमारा फ़ोन नंबर चल रहा है इस पर आप ले सकते हैं और अपने शहर में भी शिविर लगवा सकते हैं। जो हमारे शिविर आगे लगने जा रहे हैं आप भी अपने शहर में लगवा सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो हमारे शिविर में आएँ और इसका लाभ लें। बहुत अच्छी मुझे इनकी बात लगी कि देखिए मैं बताती सब लोगों को कि आप लोग वैदिक उपचार का इस्तेमाल कीजिए, बंसल जी के द्वारा बताए गए उपायों को कीजिए, माने ना माने वो बिल्कुल उनके ऊपर है। सही बात है भाई, हमें अपना कर्म करते रहना है कि ताकि लोग भी वैदिक उपचार का लाभ उठाएं। और देखिए बंसल जी, कर्जा इनका सारा उतर गया, पैर में जो है जीने से गिर गई थी, तो इनका विश्वास था कि मात्र आपके उपाय करने से ठीक हो जाएंगी, पैर भी इनका पूरी तरह से ठीक हो गया, इनका जो बिजनेस भी ठीक हो गया, देखिए अब घर में सुख शांति भी है, झगड़े वगड़े बंद हो गए, तो कह रही है कि आज घर में जो भी खुशियां हैं वो आपकी वजह से हैं। नहीं नहीं ये तो विश्वास की बात है, देखो पूरा उपाय इन्होंने किया, अगर ये ना करती तो कहाँ से होता, मैं मेरे कहने से तो होना नहीं था। इन्होंने पूरे उपाय किए और लग के किए हैं, देखो अब उसका परिणाम आपने देख लिया, हर साल से कर रही है, तीन चार साल से कर रही है, तीन चार साल में तो पूरा रिजल्ट आता है। देखो कितना कर्जा था, ये तो कह रही थी बहुत कर्जा था, मतलब हम ऐसे एक एक रुपये के लिए मोहताज हो गए थे, लेकिन बिल्कुल सारा खत्म हो गया, कर्जा भी खत्म हो गया, पैसे भी आ गए, अब तो कार में मैं घूमती हूँ, अब देख लो इतना इफेक्ट आ गया, अब कार में घूमती है, अब कार कहाँ से आ गई जब कर्जा था। तो ये भगवान अपने आप देता है, मैं कहता हूँ भगवान तो छप्पर फाड़ कर देता है, भाई लेने वाला चाहिए, और जो आदमी सही विश्वास से लगन से करेगा तो लाभ अवश्य ही मिलेगा वैदिक उपचार का। आज तक वैदिक उपचार फेल हुआ ही नहीं है, भाई एक दो को तो मैं कह नहीं सकता, वो तो हो सकता है कि भाई उसका विश्वास कैसा हो सकता है परमात्मा ने उसको ज़्यादा वो दे रखी है तो ना हो, लेकिन 90% रिजल्ट ओके आता है। तो भाई इंतज़ार किस बात का, मैं तो ये सोच रही हूँ। और हाँ प्लीज़ एक चीज़ आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भी बड़ी तकलीफ़ होती है कि आप लोग कहते हैं कि भाई हम तो बंसल जी आपका इंतज़ार कर रहे थे, पहले आपसे बात हो जाए उसके बाद हम जो है वैदिक उपचार ऑर्डर करते, दो साल से हम आपका फ़ोन ट्राई कर रहे हैं। क्या आपने ये सोचने की कोशिश की है कि उन दो सालों में आपकी बीमारी कितनी बढ़ गई, कितना बढ़ा लिया आपने अपनी परेशानी को? अरे भाई बंसल जी से बात करनी है तो वैदिक उपचार इस्तेमाल करते करते भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि बंसल जी ने ही वैदिक उपचार आप लोगों के लिए तैयार किया है, तो बंसल जी ही बताएंगे ना आपको कि वैदिक उपचार का इस्तेमाल करना है। तो भाई देर मत कीजिए, नंबर आपके सामने है, जो भी बीमारी है जो भी परेशानी है सबसे पहले इन नंबर पर फ़ोन करके वैदिक उपचार का सेट ऑर्डर कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद बंसल जी से आराम से बात करते रहिए। वैदिक उपचार का मतलब वेट मत कीजिए आप लोग कि पहले बंसल जी से बात हो जाए उसके बाद मैं वैदिक उपचार का इस्तेमाल करूंगा या उसको ऑर्डर करूंगा, नहीं, नंबर सामने है, तुरंत आपको ऑर्डर करना है। आपकी जो भी बीमारी है चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो या फिर मानसिक हो, तीनों प्रकार की परेशानी को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है वैदिक उपचार। सब कुछ आपके सामने, इन्होंने बताया कि घर में सुख शांति है, कर्जा उतर गया है, धन की कमी अब घर में नहीं रहती है, मानसिक परेशानी भी दूर हो गई है, मतलब इस जीने से गिर गई थी और देखिए चोट भी नहीं आई, वरना आमतौर पर आप सुनते ही हैं कि हड्डियां फौरन से टूट जाती हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी चोट नहीं आई। क्यों? इन्होंने बताया कि वो सब उपायों की वजह से हुआ है। ऐसा ही होता है दर्शकों, विश्वास की बात है, विश्वास करके आप भी मंगाइएगा, आपको भी सहायक सिद्ध होगा वैदिक उपचार। कॉलर हैं शाहिरा जी, हैं बेंगलुरु से। शाहिरा जी स्वागत है आपका जी, बात कीजिए बंसल जी से। जी मुझे नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार शाहिरा जी, बताएं। जी मेरा नाम शाहिना है, मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। हाँ जी, मेरी बेटी को हीमोफीलिया है डॉक्टर साहब, मेरी अच्छा। बेटी 16 साल की एक बेटी है। हाँ जी, उसको हीमोफीलिया ये करके आया है, ब्लड कहीं से निकल गया तो रुकता नहीं है, और कानों का भी बहुत प्रॉब्लम है, कान भी ठीक से सुनाई नहीं देते। अच्छा देखो जी, इसका वैसे तो हमारे पास इतना अच्छा इलाज है नहीं, देखो मैं सर्जिकल बताऊं, लेकिन फिर भी इसका ट्राई करेंगे, दवाई बनाने की कोशिश करेंगे, तो एक बार वहाँ पर संपर्क कर लेना, अगर बन गई तो फिर हम बताएंगे, तो हमारे डॉक्टरों से एक बार बात कर लेना, क्योंकि इसका वैसे अभी तक क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते नहीं थे तो इसलिए हमने दवाई बनाई नहीं, लेकिन अब आपने बता दिया तो इसका करेंगे उपचार, कोशिश करेंगे, भगवान अच्छा रिजल्ट देगा। चलिए अगली कॉलर है विनीता जी छतरपुर MP से। विनीता जी स्वागत है आपका। क्या? स्वागत है विनीता जी आपका। नमस्ते। नमस्ते, बात कीजिए बंसल जी से। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार विनीता जी, बताए बताए विनीता जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप पूछिए क्या जानना है आपको। हम डॉक्टर साहब, हम आपका प्रोग्राम बहुत दिनों से देख रहे हैं, तीन साल से। तीन साल से क्या उपाय किया विनीता जी आपने?
आपके हम सारे उपाय करते हैं, नाखूनों में तेल भी लगाते हैं, अभी दिया जलाना शुरू किया, अच्छा। हल्दी वाला दूध भी पीते। अच्छा, क्या फर्क पड़ा उससे? काफी फायदा हुआ। क्या क्या जैसे विनीता जी? मतलब सब कुछ अच्छा हो गया। सब कुछ अच्छा हो गया? हाँ। मतलब किस किस चीज में फायदा हुआ? देखो दुनिया आपसे भी वो ले ले, वो भी करे तो उनको भी लाभ मिले, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या लाभ मिले आपको? जैसे मेन बात ये कि पति पत्नी में मतलब झगड़ा वगड़ा होता था वो भी सही हो गया। अच्छा, और आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई। आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, चलो बहुत अच्छा। देखो सबसे बड़ा हम बहुत दिनों से आपसे बात करना चाह रहे थे, हमारी बात ही नहीं हो पाती थी आपसे। चलो आज तो हो गई, बताए कि हमारी बात करा दीजिए जब हमारी बात रही। हाँ ना ना, कोई नहीं, बताए विनीता जी, आप कोई बात पूछना तो पूछो। डॉक्टर साहब, हम कहना चाहते हैं कि जो हमने वैदिक अमृत अभी ऑर्डर किया है, तो जो 1500 वाली किट है, हाँ जी हाँ, तो उससे तो वही फायदा मिलेगा ना जो बड़ी वाली, मतलब मैं वाली। देखो ऐसा है, 1500 की तो ट्रायल पैक है, वो यूज करने के बाद जैसे आराम मिले, फिर वो पूरा एक सेट मंगाना, पूरा एक सेट मंगाना, वो 3 महीने का सेट होता है, तो एक सेट में पता भी चल जाता है कितना आराम पड़ा कितना नहीं। ये तो देखो 1500 का तो हमने ट्रायल पैक बनाया, जो गरीब आदमी है या दो बहुत दुखी है बेचारे, मंगा ही नहीं पाते थे, तो उनके लिए मंगा भेजा हमने ट्रायल पैक, जो आर्थिक परेशान से तंग है या और कोई चीज़ से तंग है। देखो सबसे बड़ी तो देखो आपको विनीता जी ये फायदा हुआ, हस्बैंड वाइफ का जो झगड़ा यानी वो दूर हो गया, ये सबसे बड़ी बात है ना, तो घर में इसी कलेश चलते चलते और बीमारी आ जाती है, और आप विश्वास करते हो और बहुत अच्छा करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपसे मेरी बात हुई है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए, प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, उपाय भी आप करती हैं, और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई है, घर में जो हस्बैंड वाइफ में झगड़े जो होते थे उनमें भी काफ़ी कमी आई है, तो और क्या चाहिए भाई, इतना कुछ तो आपको वैदिक उपचार दे रहा है, इतना कुछ तो आपको वो उपाय दे रहे हैं, तो मैं इसलिए मैं कह रही हूँ देर मत कीजिए। अपने जीवन में वाकई में अगर आप खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार वैदिक उपचार मंगाइए, ऑर्डर कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आइए तब तक हम आपको कुछ लोगों से और मिलवा दें जो कि वैदिक उपचार का सेवन कर रहे हैं और उनको कितना लाभ हुआ, आइए देखते हैं। क्या नाम है आपका? रेखा सदाशिव राव।
एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर। अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।